हेलो मित्रों, आजकल का समय ऐसा है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा होगा जिसने अपने हाथों से एक कंप्यूटर कीबोर्ड या मोबाइल कीबोर्ड की बटने ना चलाई हो। चाहे ऑफिस में काम करना हो या घर पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी या सीरीज देखनी हो, कीबोर्ड पर हाथ तो फिराना ही पड़ता है। दिन भर में न जाने कितनी बार कंप्यूटर या लैपटॉप पर आपकी उंगलियाँ खिटपिट करती होंगी। अब तक आपको इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि अब आप काफी तेजी से टाइपिंग भी कर पा रहे होंगे। काम के दौरान अब आप जो टाइप करना चाहते होंगे, कीबोर्ड के उन्हीं बटन्स पर आपकी उंगलियां खटाखट पहुंचती रहती होंगी। और आप सबने देखा होगा कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट के लेटर्स ABCD वगैरह वगैरह सीरियल वाइज नहीं होते हैं, फिर भी आप बड़े आराम से लगातार टाइप करते चले जाते हैं। और अब तो आप इस बारे में सोचते भी नहीं होंगे कि कीबोर्ड पर ABCD सीरियल वाइज क्यों नहीं होता। चलिए, अभी नहीं तो शुरुआती दिनों में आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि कीबोर्ड पर ये बटन्स यानी लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं होते, क्यों ये लेटर्स ABCDE की जगह QWERTY फॉर्मेट में होते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि इसके पीछे क्या कोई रॉकेट साइंस है, पहले कीबोर्ड कैसे होते थे और आखिर कब और क्यों QWERTY फॉर्मेट तैयार किया गया। इन सारे सवालों के जवाब जुड़े हुए हैं टाइपराइटर के इन्वेंशन से। दरअसल सबसे पहले साल 1868 में क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने दुनिया का पहला कीबोर्ड तैयार किया था, जिसे हम आज टाइपराइटर कहकर बुलाते हैं। पहले टाइपराइटर के कीबोर्ड भी ABCD फॉर्मेट में हुआ करते थे, लेकिन इससे टाइप करने में स्पीड नहीं आती थी और यह बिल्कुल ही असुविधाजनक भी था। टाइपराइटर की बटने उभरी हुई होती थी, जिसके चलते जब आप बगल वाली कोई भी की प्रेस करते तो उसके पास की कभी उसके साथ ही नीचे फंसी रह जाती तो कभी प्रेस ही ना होती, जिसके बाद कई लोगों ने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग किए। लेकिन सबसे सफल मॉडल QWERTY के रूप में ही सामने आया, QWERTY यानी QWERTY। इससे टाइप करने में भी आसानी होती थी और स्पीड भी अच्छी बन जाती थी। दरअसल ABCD वाले कीबोर्ड की वजह से टाइपराइटर पर टाइप करना मुश्किल हो रहा था। एक तो ये कि उसके बटन एक दूसरे के काफी करीब होते थे, जिससे टाइपिंग में मुश्किल होती थी। दूसरा कारण और बड़ा था। अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अंग्रेजी में कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जैसे EIASM वगैरह वगैरह, और कुछ शब्दों की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, जैसे Z और X वगैरह। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इन अक्षरों के लिए उंगली को पूरे कीबोर्ड पर घुमाना पड़ता था और इससे टाइपिंग स्पीड काफी स्लो हो जाती थी। इसलिए इसको लेकर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, काफी कोशिशें नाकाम रही और तब जाकर 1870 के दशक में QWERTY फॉर्मेट आया। इस फॉर्मेट में जरूरी यानी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेटर्स को उंगलियों की रीच में सेट कर दिया गया। जब टाइपिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, तब एक और फॉर्मेट आया था, डिवोरक मॉडल। हालांकि यह फॉर्मेट अपनी की सेटिंग से फेमस नहीं हुआ था, बल्कि इसे तैयार करने वाले अगस्त डिवोरक के नाम पर इस फॉर्मेट को नाम दिया गया था। हालांकि ये कीबोर्ड बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहा, या ना तो अल्फाबेटिकल था और ना ही टाइपिंग की दृष्टि से आसान था। लोगों को QWERTY मॉडल ही सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगा, यही लोगों को पसंद आया और यही पॉपुलर होता चला गया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।